बज्जू बज्जू मम्मी ने जब नाम रखा था सरदार हरभजन सिंह सोना मेरा पुत्र धीरे धीरे बज्जी आगे बीवी ने बज्जू कर दिया बज्जी बाजी क्रिकेट तो खेलते ही हैं पाजी के अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस भी है प्लस 5 क्रिकेट की एकेडमीज हैं पुलिस की जॉब भी है गीता आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं बज्जी पहले एक हफ्ता था जहाँ मेरे साथ थे उसके बाद तो ये मैचेस पे चले गए और ये पहली बार इसने बोला ये मैचेस पे चले गए हैं तो वैसे नहीं बोलती थी नहीं वैसे कहाँ जा रहा है नो आई स्पीक इंग्लिश ना दैट्स व्हाई बट ये मैचेस पे चले गए तो मैं हार्डली इनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ पाजी मतलब जैसे मैंने आपसे पहले सवाल ये किया था कि शादी के बाद क्या चेंजेस आते हैं इससे पहले भी गीता आपको फोन करती होंगी अब शादी के बाद फोन बढ़ गए हैं आने के कम हुए हैं नहीं एक्चुअली शादी के बाद अब कम हो गए क्योंकि प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है प्लॉट अपना है कोई कब्जा नहीं करेगा कोई कब्जा नहीं करेगा इस पे कब्जा सिर्फ और सिर्फ मेरा है तो मतलब मैं वैसी गर्लफ्रेंड नहीं थी जहां मैं 10 बार दिन में फोन करती थी हाँ, पर वो 10 बार का ही एक बार में ही कर लेती थी अगर फोन किया तो बस गए फिर लंबी बात है बच्ची का एक सीक्रेट है जो उनका एक बॉल फेंकने का तरीका दूसरा और किसी को तो पता नहीं वो कैसे फेंकते हैं पर मुझे लगता है गीता को दूसरा क्या तीसरा चौथा पांचवा सब पता होंगे भज्जी के तो भज्जी जब ये दूसरा फेंकते हैं तो बड़ों बड़ों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं हम आज देखना चाहते हैं कि गीता इनसे क्लीन बोल्ड होती है कि नहीं ओके सो आप लोग देखना चाहते हैं चलिए फिर हो जाए एक बार तालियां भज्जी और गीता के लिए ले आइए प्लीज भज्जी एज यूजुअल जो है वो बॉलिंग करेंगे और गीता जो है वो बैटिंग करेंगे आज आइए और घर की महारानी घर की पटरानी भज्जी की सिति पिति गुल चल भाई फेंक मजाल क्या आउट कर दे भज्जी इसी के साथ ही गीता का गगन चुंबी छक्का और भज्जी हक्का बक्का ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा दूसरे बैट्समैन के छक्के छुड़ाने वाला अपनी बीवी के सामने खुद मेरे को भज्जी भाई ने कहा कहते गीता आपके शो में जब पहले आई थी तो मैंने देखा था उनकी जीके थोड़ी वीक थी बोलते लेकिन अभी मैंने ना उसको तैयार कर दिया गीता को पूरा अभी तो कुछ भी पूछ के देखना पूछ के देखो ताजमहल कहाँ है मैं उस चीज का मतलब जवाब दूंगी उस सवाल का जवाब दूंगी जो आपको आता है अगर तो फिर अभी बताइए ताजमहल कहाँ अगर आप मेरे सवाल का जवाब दोगे अच्छा नहीं बड़े टेस्ट कर रहे थे मुझे अभी मैं आपको टेस्ट करती हूँ मैंने तो किया नहीं मैं तो शुरू करना आपने पहले पकड़ लिया आपने पूछा ना आगरा कहाँ है तो मैं आपसे पूछा आगरा कहाँ है आगरा नहीं पूछा उन्होंने ताजमहल कहाँ है ताजमहल का पैसे जवाब देगी वो अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब गीता दे फिर मैं भी तैयार हूँ चलिए ऐसे खेलते हैं ताजमहल कहाँ है आगरा मतलब ये अच्छा आप मुझे बताओ कि गन ऑफ कीज कहाँ है क्या है गन ऑफ कीज कहाँ है लिसन पाजी पूछो ना अभी आपकी बारी है आप मुझे जवाब दो बाउंसर बजे ठका करके ऊपर के लंग इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन किन्नुआ का रस क्या गन ऑफ कीज कहाँ है Gun of keys, na? Ah. It's in this planet only.